सो वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। देखते हैं कॉम्प्लीमेंटेशन इन बैक्टीरियोफाज के बारे में। बैक्टीरियोफाज में जानने से पहले हमें कॉम्प्लीमेंटेशन का बेसिक मतलब जानना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेकर समझ सकते हैं। समझे, मेरे पास यहाँ पर एक पर्पल कलर का फ्लावर है। मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि पर्पल कलर का फ्लावर पे दो जीन्स एक्ट करे जिसकी वजह से वो पर्पल कलर का हुआ। समझो, यहाँ पर सबसे पहले जीन ए ने एक्ट किया तो फिर भी व्हाइट कलर का फ्लावर व्हाइट ही रहा, लेकिन जब यहाँ पर जीन बी ने एक्ट किया तब ये व्हाइट कलर का फ्लावर पर्पल कलर में बदल गया। यानी कि पहले जीन ए ने कुछ तो ऐसा किया जिसकी वजह से व्हाइट कलर के फ्लावर में थोड़े बहुत चेंजेस आए होंगे और फिर जीन बी ने उन चेंजेस पैक करके उसको पर्पल कलर का बनाया। तो इस कंडीशन में मैंने क्या बोला कि इन दोनों जीन्स ने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया और मिलकर पर्पल कलर का फ्लावर का प्लांट बनाया। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बोलूं, मेरे पास यहाँ पर एक पेरेंट्स हैं जो कि कुछ इस तरीके के हैं। यहाँ पर समझो ये जो है पापा है और यहाँ पे समझो ये है मम्मी। अब इस कंडीशन में अगर मैं देखूं तो ये दोनों ही व्हाइट कलर के होंगे। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि अगर कैपिटल ए प्रेजेंट था तो उसने व्हाइट तो बनाया लेकिन वो पर्पल नहीं बना पाया क्योंकि कैपिटल बी नहीं है। सिमिलरली यहाँ पर कैपिटल बी तो है लेकिन उससे पहले जो ये मीडियम बीच वाला व्हाइट चाहिए वो बीच वाला व्हाइट उसको मिल ही नहीं पा रहा है क्योंकि कैपिटल ए नहीं है। लेकिन अगर मैं इन दोनों का बच्चा करूं तो यहां से इसके पास आ जाएगा कैपिटल ए, यहां से इसके पास आ जाएगा स्मॉल ए, यहां से इसके पास आ जाएगा स्मॉल बी, यहां से इसके पास आ जाएगा कैपिटल बी। तो इस ऑफस्प्रिंग के पास अगर हम यहाँ पर देखें तो इसके पास कैपिटल ए भी प्रेजेंट और कैपिटल बी भी प्रेजेंट है। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि यहाँ पर इन्होंने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर दिया है जिसकी वजह से जो ऑफस्प्रिंग है वो मुझे कैसा मिल गया? पर्पल कलर का मिल गया। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंटेशन करना, कि दो जीन्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करे उसकी वजह से आपको कोई प्रोडक्ट मिल रहा है। अब बैक्टीरियोफाज में किस तरीके से देखा गया था? इन साइंटिस्ट ने कॉम्प्लीमेंटेशन इन बैक्टीरियोफाज देखा था। अगर हम सबसे पहले बैक्टीरियोफाज समझे तो वो क्या होते हैं? वो एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका काम होता है किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करना। तो इन शॉर्ट वो यहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्टिंग वायरसेस होते हैं। ऐसे वायरस हैं जो कि स्पेसिफिकली बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर ये जो बैक्टीरियोफाज होता है इसमें एक लोकस होता है जिसको हम बोलते हैं R2 लोकस। R2 लोकस का मतलब क्या है? क्रोमोसोम में, बैक्टीरियोफाज के क्रोमोसोम में एक स्पेसिफिक लोकस है, यानी कि एक स्पेसिफिक जगह है जिसको हमने नाम दिया R2। ये जो R2 लोकस है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर तुम्हें K12 बैक्टीरिया पे इस बैक्टीरियोफाज को ग्रो करवाना है। अगर इसको आपको ग्रो करवाना है तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है R2 लोकस, यानी कि बैक्टीरियोफाज का ये हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने इस हिस्से को म्यूटेट कर दिया है तो फिर उस कंडीशन में जो बैक्टीरियोफाज होगा वो ग्रो नहीं हो पाएगा। उस कंडीशन में बैक्टीरियोफाज ग्रो नहीं हो पाएगा किसके ऊपर? K12 इकोलाई के ऊपर। K12 इकोलाई बैक्टीरिया के ऊपर वो ग्रो नहीं हो पाएगा। अब साइंटिस्ट को ये जानना था कि ये जो R2 लोकस है यहाँ पर ये जो जगह है इसमें इस ग्रोथ के लिए क्या सिर्फ और सिर्फ एक ही जीन रिस्पॉन्सिबल है या फिर इस ग्रोथ के लिए दो जीन्स रिस्पॉन्सिबल है? कहने का मतलब है इस R2 लोकस पे दो जीन्स है जो मिलकर ये ग्रोथ करवा रहे हैं या फिर सिर्फ एक ही जीन है? तो इसके लिए इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखे, कुछ केसेस करके देखे जो आपके सामने है। सबसे पहले केस में उन्होंने क्या किया? सबसे पहले केस में उन्होंने दो बैक्टीरियोफाज लिए, दोनों बैक्टीरियोफाज को एक बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने दिया। ये जो दोनों बैक्टीरियोफाज थे उसमें इन्होंने R2 लोकस में भी स्पेसिफिक जगह पे म्यूटेशन करवाई, यानी कि आधे हिस्से पे इन्होंने म्यूटेशन करवाई। इस हिस्से को हम बोलते हैं R2A। यहां पर R2A में आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट जगह म्यूटेशन हुई है। जब यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जगह R2A में म्यूटेशन हुई है इसकी वजह से ऑब्वियसली बात है R2A अपना प्रोटीन तो बना नहीं पाएगा। हमें पता है DNA से प्रोटीन बनता है, तो यहाँ पे प्रोटीन तो बना नहीं, R2A है ही नहीं, दोनों से ही यहाँ पर डिफेक्टिव R2A आया। लेकिन दोनों का ही यहाँ पर R2B नॉर्मल है। अभी जो R2B है इसने यहाँ पे फंक्शनल बी प्रोडक्ट बनाया, यानी कि इसका प्रोटीन बना, फंक्शनल बना, पर यहाँ पर इकोलाई के ऊपर कोई ग्रोथ नहीं हो पाई। दूसरी कंडीशन में उन्होंने बिल्कुल उल्टा किया। दूसरी कंडीशन में उन्होंने दोनों में ही R2B को म्यूटेट कर दिया। अब R2B दोनों कंडीशन में देखो यही समझो ये वाला ऊपर वाला क्रोमोसोम यहां से आ रहा है, नीचे वाला क्रोमोसोम यहां से आ रहा है, दोनों में R2B म्यूटेटेड है अलग अलग जगह पे। तो इस कंडीशन में डिफेक्टिव बी प्रोडक्ट मिला लेकिन नॉर्मल ए प्रोडक्ट मिला, बट स्टिल यहां पर भी कोई ग्रोथ नहीं देखी उन्होंने। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया? K3 में उन्होंने ये किया कि एक बैक्टीरियोफाज में ए म्यूटेट करवा दिया और दूसरे बैक्टीरियोफाज में उन्होंने बी म्यूटेट करवा दिया। तो आप देखो ये वाला जो क्रोमोसोम ऊपर वाला है वो यहां से आया है, इसमें क्या है? R2A म्यूटेटेड है।
तो इस क्रोमोसोम से मेरे को क्या मिल जाएगा, इस क्रोमोसोम से मुझे R2A तो डिफेक्टिव मिलेगा, लेकिन मुझे B जो है वो फंक्शनल मिल जाएगा, क्योंकि B में कोई म्यूटेशन नहीं है। सिमिलरली जो नीचे वाला क्रोमोसोम सेकंड वाले से आया है उसमें R2B म्यूटेशन है, R2B म्यूटेटेड है तो मुझे यहाँ पे डिफेक्टिव B मिलेगा, लेकिन A बिल्कुल नॉर्मल है तो मुझे यहाँ पे फंक्शनल A मिलेगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पर देखा तो यहाँ पर ये जो फाज है वो इस लॉन में ग्रो हो गया, मतलब K12 इकोलाई के लॉन में ग्रो हो गया है। तो इससे मुझे यहाँ पे क्या पता चला, इससे मुझे यहाँ पे पता चला कि इस बैक्टीरिया में फंक्शनल बी भी था और फंक्शनल ए भी था, तो दोनों ने मिलके यहाँ पर इधर ग्रोथ करवाई। कहने का मतलब है कि इस R2 लोकस में दो जीन्स हैं और दोनों जीन्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट है ईच अदर के। यहाँ पर दो जीन्स हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट है, R2A एंड R2B जो है वो कॉम्प्लीमेंट है ईच अदर के और दोनों साथ में मिलके काम करते हैं। जैसे हमने इस कंडीशन में देखा, इस कंडीशन में पापा एक चीज के लिए अफेक्टेड थे, मम्मी दूसरी चीज के लिए म्यूटेटेड थे, लेकिन बच्चे ने कॉम्प्लीमेंटेशन करके नॉर्मल हो गया। सेम चीज यहाँ पर भी हुई, यहाँ से R2A डिफेक्टिव आया लेकिन R2B नॉर्मल आया, यहां से R2B डिफेक्टिव आया लेकिन R2A नॉर्मल आया, दोनों ने साथ मिलके फंक्शनल प्रोडक्ट्स बना और ग्रोथ हो गई। यहां पर R2B नहीं बन रहा था तो कुछ ग्रोथ नहीं हुई, यहाँ पे R2A नहीं बन रहा था तो कुछ ग्रोथ नहीं हुई। तो ये चीज होती है कॉम्प्लीमेंटेशन इन बैक्टीरियोफाज। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने सभी दोस्तों जो जेनेटिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा गाइस। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।